हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज नताशा सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रियल नंबर्स व्हिच इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ़ मैथमेटिक्स क्लास टेंथ सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो अवर टुडेज टॉपिक इज रियल नंबर्स सो बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं आज हम इनके बारे में जानेंगे अगर हम अपनी जनरल और बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जिनको हम अपनी डे टू डे मैथमेटिक्स या डे टू डे कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ये तो हो गई एक बेसिक और सिंपल सी छोटी सी डिफाइन बट अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है रियल नंबर्स की इट इज़ द कम्बाइंड फॉर्म और इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स यानी कि जब आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं रियल नंबर्स बनाते हैं दोनों की कंबाइंड फॉर्म आपका रियल नंबर्स कहलाती है अब हमने डेफिनेशन देखी इसकी रियल नंबर्स की इसमें हमने दो टर्म्स देखी रेशनल नंबर्स एंड इ रेशनल नंबर्स सो बेसिकली रेशनल और इ रेशनल होता क्या है है ना वैसे तो आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा रेशनल और इ के बारे में लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रेशनल और इ होता क्या है सो so, स्टार्ट करते हैं हम रेशनल नंबर्स से ठीक है बहुत ही बेसिक है रेशनल और इ इवन द रियल नंबर्स ठीक है थोड़ा सा हम जान लेते हैं फिर भी रेशनल होता क्या है सो so, हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो हम जानेंगे क्या होते हैं सो so, बेसिकली जिन नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स यानी कि p यानी कि न्यूमरेटर एंड q यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं रेशनल नंबर्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो गया फ्रैक्शन ये भी बोल सकते हैं कि जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं ठीक है वेयर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वेयर Q शुड नॉट इक्ल टू ज़ीरो यानी कि जो आपका Q होता है वो कभी भी, भी ज़ीरो नहीं होता है मतलब Q कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो वन टू थ्री एसेक्ट्रा कुछ भी लेकिन ज़ीरो नहीं होगा ठीक है एक और चीज़ कि ये जो P और Q है ये दोनों ही क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होने चाहिए ठीक है उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री बाई टू ज़ीरो बाई टू वन बाय टू हमारा पी तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन हमारा क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता है आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा आप इसमें देख सकते हो एग्ज़म्पल में सारे ही इंटीजर्स हैं यानी कि पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं किसी में भी क्यू ज़ीरो नहीं है है ना और फ्रैक्शन फॉर्म में भी है तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए रेशनल के। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स और इंटीजर तीन चीज़ें मैंने बोली नेचुरल होल एंड इंटीजर्स ये तीनों ही क्या होते हैं हमारे रेशनल होते हैं ठीक है लेकिन और रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल इंटीजर्स एंड होल नंबर्स इतना क्लियर हुआ अब हम थोड़ा सा इनको डिफाइन भी करेंगे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ताकि आपको ये समझ आए जो मैंने अभी बोला कि ये सारे ही रेशनल होते हैं लेकिन सारे रेशनल नंबर्स नेचुरल होल और इंटीजर्स नहीं होते हैं ठीक है अब हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वैसे तो पता ही होगा बहुत ही बेसिक है आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ाई होगा लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कि ये होते क्या हैं आपके नेचुरल नंबर्स तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ सपोज़ आपके पास एक बैग है और उसमें आपके पास टेन चॉकलेट्स हैं ठीक है तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे दैट मेरे बैग में टेन चॉकलेट्स हैं ठीक है लेकिन सपोज वही बैग एम है खाली है तो आप क्या अपने फ्रेंड को ये बोलोगे दैट मेरे बैग में ज़ीरो चॉकलेट्स हैं नहीं क्योंकि बैग में तो और भी चीज़ भी तो हो सकती है है ना तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं कि हमारे पास खाली है बैग यही तो यूज़ करेंगे ज़ीरो तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बैग में और भी सामान हो सकता है है ना तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स को आप ये समझ सकते हो काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल होते हैं तो इसीलिए जो मैंने एग्जांपल दिया अकॉर्डिंग टू दैट वन से लेके कर इन्फिनिटी तक आपके नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं ठीक है इतना क्लियर हुआ मतलब नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होके इन्फिनी मतलब इनका कोई एंड नहीं है कहीं तक भी काउंटिंग आप जितनी करते जाओ करते जाओ करते जाओ वो इंक्रीज होती जाती है तो इसीलिए हम वन से लेके कर तक इसको कंसिडर करते हैं ठीक है अब आते हैं आपके होल नंबर्स होल इन द सेंस होल का मतलब क्या होता है टर्म से समझिए होल मतलब सारा कंप्लीट है ना तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है आपका ज़ीरो ज़ीरो आल्सो इंक्लूडेड इन होल नंबर्स ज़ीरो से लेकर इन्फिनी तक जो नंबर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं आपके होल नंबर्स होते हैं वेरी सिंपल ठीक है अब आता है आपका इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं है ना लास्ट तीन चीज़ बताई थी नेचुरल होल अब आता है आपका इंटीजर्स तो ये जो इंटीजर्स होते हैं हमारे ये क्या बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स ठीक है प्लस ज़ीरो मतलब कि सारे काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड होंगे इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा प्लस जो ये काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स थे इनके नेगेटिव जैसे कि वन इज़ द नेचुरल नंबर एंड माइनस वन टू इज द नेचुरल नंबर तो माइनस टू ठीक है तो ये सारे मिला के क्या बना देते हैं आपके इंटीजर्स बनाते हैं आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा ठीक है बहुत सिंपल था आपको पता भी होगा वैसे तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ठीक है अब देखेंगे बेसिकली हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हम इसमें क्या पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर में कुछ इंटीजर्स की ही स्पेशल फॉर्म या फैंसी फॉर्म कह सकते हैं हम उनको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो कुछ इसकी स्पेशल फॉर्म क्या है या फैंसी फॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं कुछ नहीं है बहुत बेसिक है आपने अब तक सब कुछ पढ़ा होगा बस उसको ही थोड़ा फैंसी तरीके से इसमें थोड़ा एलेबोरेट किया गया है दैट्स इट ठीक है तो पहला है आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में ठीक है दूसरा है हमारा यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है और तीसरा जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तीन चीज़ें हैं इसमें जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे ठीक है तो इन तीनों ही टॉपिक्स को हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और मैं बता दूं ये जो रियल नंबर्स होते हैं इसकी जो वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम्स में वो होता है आपका सिक्स मार्क्स का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसमें से सिक्स मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा ओके